Dear students of 10th class, today we will discuss one of the question of the same exercise 5.2. That is question number is here. That is 5. Question number 5 को आज हम discuss करने जा रहे हैं. Dear students, इससे पहले कि हम question को solve करें, subscribe this channel ताकि आने वाली हर video आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप इन video से इस्तेफादा हासिल कर सके. और शेयर भी जरूर कर लेना ताकि दूसरे जो क्लासमेट्स आपके हैं वो भी इन वीडियो से फायदा हासिल कर सके. नाउ वी डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज. वी हैव गिवन एपीज, उन एपीज का हमें देखना है उनमें कितनी टर्म्स हैं. दो पार्ट इस क्वेश्चन के, एक पार्ट यहां पे भी हमें देखना है कितने टर्म्स हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसी तरह इस सेकंड पार्ट में भी हमें देखना है इसमें कितने टर्म्स हैं. मीन्स वी हैव टू फाइंड एन इफ ए वन ए टू सो ऑन अप टू ए एन सो ऑन. अगर हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें ये एन का वैल्यू देखना है. यहां पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सॉल्यूशन, सी डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एन टर्म हम मान ले 205. इट इज फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन अप टू, ये मान ले इट इज एन टर्म. टेकिंग एन इज इक्वल टू 205, ये हमारे पास ये हमने ले लिया. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन. इफ वी गेट वैल्यू ऑफ एन मीन्स वी गेट नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब अगर एन 205 के बराबर है बट एन टर्म एन जो हमारे पास होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. रिमेंबर दिस एन टर्म, दैट इज this implies us a plus n minus 1 into d it is equal to 205. ye hamare paas value, we have here a hamare paas hai that is 7, d wo bhi hamare paas available hai. we have here two consecutive terms of the given arithmetic progression. if we have two consecutive terms of a given arithmetic progression we can easily find the value of common difference. So we get a and d by the given arithmetic progression and we substitute value of a and d, here we get the value of n. Here a is equal to, a hamare paas yahan hai, a is equal to 7 and d is equal to, d hamare paas aap 13 minus 7 bhi le sakte hain, 19 minus 13 bhi le sakte hain, that is 13 minus 7 it is 6. A is 7, D is 6. Substitute this value here. ये हम first मान ले. Therefore from first में से हमें मिलेगा A का value हमारे पास है 7 plus n minus 1 into D हमारे पास है 6. It is equal to 205. 7 right side में जाएगा. That is n minus 1 into D. हमारे पास n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7 और n माइनस 1 इंटू 6 इट इज इक्वल टू 205 में से 7 चला जाएगा. वी गेट हियर 198. अब 6 से डिवाइड होगा यहां राइट साइड में, दैट इज एन माइनस वन हमारे पास होगा, दैट इज इक्वल 198 ओवर 6 6 1 is 6 6 3 is 18 1 6 3 is 18, दैट इज 33 आ गया न्यूमरेटर में. दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू, ये माइनस वन राइट साइड में जाए इट बिकम्स प्लस वन. वी हैव हियर 33 प्लस वन दैट इज 34. देयरफॉर वी गेट हियर एन इज इक्वल टू 34. This means the number of terms in this arithmetic progression is 34. इस तरह इस पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. Now we take second part of this question. Second part हमारे पास है यहां
We have here arithmetic progression 18, 15 is to 1 by 2, 13, so on up to 47. Same as in first part solution. Taking n is equal to minus 47. Ye hum le rahe. But n is equal to the simple an kiske barabar hai? This implies a plus n minus 1 into d, it is equal to 47. A and d ka value I mean given arithmetic progression se milega. A ka value 18 hai. Here a is equal to 18. D hamare paas difference aap hai, two consecutive term. Second term is here 15 is to 1 by 2. That is 15 2s are 30. 30 plus 1. That is 31 by 2. इस 31 by 2 में से हमने 18 निकालना है. 18. We get here 31 minus 36 over 2. It is 6 में से 1 चला जाएगा. It becomes here 5. Minus 5 by 2. ये हमारे पास D का वैल्यू होगा. And D is equal to here minus 5 by 2. Using this in first, इसको आप first मान ले. Using these in first, ये हम first में use कर लेंगे. We get here A का वैल्यू हमारे पास है 18 plus N minus 1 into D हमारे पास है minus 5 by 2 in, is equal to 47. ये हमारे पास आ गया. और 18 राइट साइड में जाएगा. इट बिकम एन माइनस वन इंटू माइनस फाइव बाई टू. इट इज इक्वल टू 47 माइनस 18. ये होगा. यहां से हमें मिलेगा एन माइनस वन इंटू माइनस फाइव बाई टू. इट इज इक्वल टू 47 में से 18 चला जाएगा. दैट इज 17. दिस 9 यहां पे 3 रहेगा. दैट इज 2. 29 होगा. 2 से यहां मल्टीपल होगा इसको. और एन माइनस वन इज इक्वल टू 29 into 2 by minus 5. Sorry for this here. We have here minus 47. Sorry for this. We have here minus 47. Minus 47. We get here minus 8 plus 7, that is 15. 1 plus 4, that is 5, plus that is 65. 8 plus 7, 15. 1 carry 2 plus 4, that is 6, minus 65. Sorry for this. Here is here minus 65. Minus and minus will go. यहाँ पे mistake हुआ था. We have here a is equal to minus 47. This implies us a plus n minus 1 into d equal to minus 47. ए हमारे पास 18 है. डी हमारे पास माइनस 5 बाई 2 है. यूजिंग दिस वैल्यू हियर वी हैव 18 प्लस एन माइनस 1 इन टू माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 47. 18 राइट साइड में जाएगा, ये नेगेटिव होगा. इनका सम होगा, दैट इज माइनस 65. नाउ वी गेट हियर एन माइनस 1 इंटू 5 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 65. ये डिवाइड होगा यहाँ पे. मीन्स यहाँ पे ये 65 है, इसको मल्टीपल होगा 2 से और 5 से डिवाइड होगा. माइनस माइनस विल बिकम प्लस. यहां पे 65 इंटू 2 बाई 5. 5 वन हजार, 5 13 हजार. दट इज एन माइनस 1 हमारे पास होगा. शाबाश. 13 इंटू 2 दैट इज 26. 1 जब राइट साइड में जाएगा और एन माइनस 1 जो है दट इज इक्वल टू किसके बराबर है 26. एन इज इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 27. यहां पे n का वैल्यू हमारे पास 27 आ गया है.
इसका मतलब है जो सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें कितने टर्म्स हैं, 27 टर्म्स हैं, और फर्स्ट टर्म में एन का वैल्यू हमारे पास 34 आया था, माइनस फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 34 टर्म्स है, सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 27 टर्म्स है। दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 34, नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 27। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।